दोस्तों मॉन्स्टर मूवीज तो इतनी जबरदस्त होती क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे राक्षस दिखाए जाते हैं जो हमारे इंसानों के द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची बिल्डिंग से भी ऊंचे होते हैं। इनमें जो मॉन्स्टर्स से बचना और मॉन्स्टर्स के कारनामे होते हैं ये बहुत ही एंटरटेनिंग होते हैं। तो आज की लिस्ट हम लेके आ गए आपके लिए टॉप 10 मॉन्स्टर मूवीज जिसमें विशालकाय मॉन्स्टर्स को देखिए आप कारनामे करते हुए। नंबर 10 क्लैश ऑफ टाइटंस एंड रैथ ऑफ टाइटंस। दोस्तों ये दोनों ही मूवी आपको प्राचीन काल के ग्रीस में ले जाएगी और उन ग्रीक लोगों की सभ्यता के हिसाब से ये कैरेक्टर्स बनाए गए हैं। मूवी की शुरुआत से ही आपको बड़े बड़े मॉन्स्टर, बड़े बड़े जादुई मॉन्स्टर, घमासान युद्ध और बड़े बड़े पहाड़ी नजारे देखने को मिलेंगे। पर्सियस की कहानी जो कि बहुत ही फेमस ग्रीक इंसान है जो कैरेक्टर सैम वर्थिंगटन द्वारा प्ले किया गया है और बड़े बड़े दानवों के साथ इनकी लड़ाई होती है जैसे साइक्लोप्स, चिमेरा और लार्ज क्रैकन। तो छत फाड़ देने वाला सीजीआई इसमें देखने मिलेगा आपको, जादुई और एकदम रियल। नंबर 9 द ग्रेट वॉल। दोस्तों इस मूवी में प्राचीन चाइना के सीक्रेट दिखाए गए हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो आपने सुना होगा, उसके ऊपर ये मूवी बनी है। इसमें आपको बेहतरीन नजारे देखने मिलेंगे। वैसे तो इसमें जो दानव दिखाए गए वो इतने बड़े नहीं है दूसरी मूवी के कंपैरिजन में, पर वो इतने खतरनाक और घातक, उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि भाई मतलब बचना ही नामुमकिन सा लगने लगता है। मूवी में बढ़िया हमारे हीरो भी है, मैट डेमन जिन्होंने मेन कैरेक्टर प्ले किया है। मूवी में एक्ट्रेस होंगी टियान जेंग जो कि ये मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट में बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ाई करते हैं। नंबर 8 द मैग। द मैग मूवी एक प्राचीन शार्क के ऊपर बेस्ड है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी होती थी और हजारों साल पहले जिया करती थी। इस मूवी के डायरेक्टर हैं जॉन टर्टलटॉक जिन्होंने इस मूवी को बेहतरीन तरीके से बनाया है बहुत ही बढ़िया कास्ट के साथ। शुरुआत में दिखाया कि अब किसी वजह से ये प्राचीन मैगलोडियन शार्क जाग गई है और इतनी बड़ी है कि जहाज भी इसका वजन नहीं ढो सकता। जो भी इसके मुंह के अंदर जाता है चकनाचूर हो जाता है। इस मूवी में आपको शार्क के अलावा एक बहुत ही विशालकाय स्क्विड भी देखने मिलेगा। एक्टर्स बहुत तगड़े हैं इसमें तो एक्टिंग बहुत शानदार, जैसे कि जेसन स्टैटम, रूबी रोज और लाई बिंग बैंग। नंबर 7 अंडर वाटर। यह मूवी हावर्ड लवक्राफ्ट द्वारा बना गई जो कि बहुत ही पॉपुलर है इस जॉनर की मूवीज बनाने में। इनकी नॉवल में आपको ऐसे ऐसे दानव देखने मिलेंगे जो कि डिस्क्राइब नहीं किए जा सकते। इस पिक्चर में ऐसे ही एक दानव से इंसानों का एनकाउंटर हो जाता है। ये दानव इतना बड़ा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते और यह चाहे तो पूरे अंडर वाटर स्टेशन को एक ही बाइट में खा जाए। और ये धरती पर आ गया है इंसानों का नामो निशान यहाँ से मिटाने के लिए। इस मूवी में आपको देखने मिलेंगी क्रिस्टन स्टुअर्ट जो कि एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं। मूवी की लोकेशन बेस्ड है पैसिफिक ओशियन की सबसे गहरी जगह, इस धरती की सबसे गहरी जगह मैरियाना ट्रेंच, जहाँ पे दानव जाग जाता है और फिर एक्साइटिंग मामला शुरू हो जाता है। नंबर 6 क्लोवरफील्ड। अगर आपका शहर एलियंस ने अटैक कर दिया तो आप क्या करेंगे, इस मूवी में आप वैसे सिनेरियो को देखेंगे। न्यूयॉर्क शहर पर एलियंस ने अटैक कर दिया है और अमेरिकन आर्मी क्या कर रही बचने के लिए, ये हम देखेंगे इस मूवी में। इसके डायरेक्टर हैं मैट रीव्स जिन्होंने फाउंड फुटेज स्टाइल में इस मूवी को शूट किया है। लगेगा कि प्रोफेशनल कैमरा यूज ही नहीं हुआ इस मूवी में, उससे मिस्ट्री और ज्यादा डेवलप होती है और रियल लगने लगती है चीजें। इस मूवी में जो एलियन है वो ज्यादा बार नहीं दिखाया गया है इसीलिए रहस्यमय लगता है। और अगर आपको एलियन और देखना है तो इस मूवी के 2 पार्ट और बने बाद में, उनको आप देख सकते हैं। नंबर 5 जुरासिक पार्क एंड जुरासिक वर्ल्ड। दोस्तों जुरासिक पार्क सीरीज तो पूरी दुनिया में मशहूर है अपने डायनासोर्स के लिए। पहली मूवी आई थी स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा बनाई गई जुरासिक पार्क, उसके बाद इसके कई सारे पार्ट आए हैं। उसमें आप देख सकते हैं कैसे डायनासोर जो एक समय पर एक्सटिंक्ट हो गए थे वह वापस आकर इंसानों पर अपना हक जमा रहे हैं। ये इतने विशालकाय जीव हैं जिनको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, पर इंसान हर किसी को कंट्रोल करने की तरह इसे भी कंट्रोल करना चाहते हैं। इस सीरीज में आपको बहुत सारे डायनासोर की प्रजातियां देखने को मिलेंगी, कई सारों के तो नाम भी नहीं ले पाएंगे। नंबर 4 पैसिफिक रिम और पैसिफिक रिम अपराइजिंग। अगर आपको विशालकाय रोबोट, विशालकाय दानव और युद्ध ये तीनों पसंद है तो यह मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। इन दोनों ही मूवीज में आप देखेंगे इंसान जो कि एक विशालकाय रोबोट को यूज करते हैं लड़ाई कर रहे हैं एलियन स्पीशीज से जो कि पता नहीं कहीं से आ गई है और बहुत ही ज्यादा बड़ी है। एलियन का तो काम ही है धरती पर कब्जा करना, तो इसमें भी आ गए हैं वो। अब देखिए लड़ाई कितनी घातक होती है इनमें। नंबर 3 रैम्पेज। यह तो एक शानदार एक्शन मूवी है जिसमें आपको ग्राफिक्स भी बहुत तगड़े मिलेंगे। यह एक किंग कॉन्ग जैसे दानव की मूवी है जिसका नाम होता है जॉर्ज। यह म्यूटेटेड गोरिल्ला है जो किस मूवी के हीरो हैं। फिर आपको दिखेगा एक म्यूटेटेड
भेड़िया और एक म्यूटेटेड घड़ियाल जो कि बहुत ही बड़ा होता है। साइज में बड़े होने के साथ साथ इन सारे जानवरों में अलग शक्तियां भी आ गई हैं। इन डायरेक्टर का नाम भी ब्रैड पेटन है। ये भी काफी फेमस हो गए इस मूवी के रिलीज होने के बाद से। ये मूवी की कहानी है चिकागो अमेरिका में बेस्ड है और आप देखेंगे किस तरह तबाही मचाते हैं ये सारे जानवर चिकागो शहर में। इस मूवी में हीरो भी है ड्वेन जॉनसन जिनको द रॉक भी बोलते हैं। थोड़ी मजाक मस्ती भी जुड़ी हुई है इस मूवी में। नंबर दो कॉन्ग स्कल आइलैंड। ये मूवी 1973 की कहानी है जब साइंटिस्ट की एक टीम और सोल्जर्स लेके जाते हैं उनको स्कल आइलैंड नाम के एक टापू पर। स्कल आइलैंड की तो अलग ही प्रजाति रहती है जो कि नुकसान तो नहीं पहुंचाती है, देखने में विशाल काय होती है। थोड़ी देर बाद उनको जानलेवा जीवों से भी सामना करना पड़ता है। उनमें से फिर एक आ जाते किंग कॉन्ग जो कि सबसे शक्तिशाली है और वो उस जंगल के राजा है। इनकी हाइट जो है वो 100 फीट से भी ज्यादा ऊपर है और ये आखिरी किंग कॉन्ग बचे हैं जो अपनी प्रजाति के हैं। नंबर एक गोडजिला। गोडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स। ये गोडजिला की दोनों ही मूवीज ये दिखाती हैं कि अगर क्रिप्टोजुअलॉजिस्ट की थ्योरी प्रूव सही हो गई तो फिर क्या क्या हो सकता है इस दुनिया में। ऐसे ऐसे बड़े बड़े जीव देखने को मिलेंगे कि हम तो भाई टाटा बाय बाय हो लेंगे इस धरती से। तो फिर चाहे जितनी कोशिश कर लो उन पे अटैक करने की, लेकिन ये तोप बारूद काम नहीं आने वाले क्योंकि इतने बड़े होंगे। तो फूंक भी मारेंगे ना तो हमारे टैंक और मशीनें उड़ती हुई जा रही होंगी हवा में। तो इस मूवी में मेन तो गोडजिला है जिसके अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर की पावर है। उसके अलावा और भी बहुत सारे टाइटंस हैं जो आपस में लड़ाई करते हैं सबसे शक्तिशाली कौन है ये डिसाइड करने के लिए। आपको इन मूवीज में से सबसे अच्छी कौन सी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर कोई ऐसी मूवी है जो आपको लगता है इस लिस्ट में आनी चाहिए थी तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली बार हम फिर से लौटेंगे किसी नई लिस्ट के साथ आपको एंटरटेन और इन्फॉर्म करने के लिए। जाने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा देना ताकि सबसे पहले आपके पास सारे वीडियोस पहुंच जाएं।